सभा में उन्होंने शिकायत किया था दो ढाई महीने पहले कि ये लाभुकों के साथ गड़बड़ हुआ है, उनसे कोई नाजायज पैसा वसूल आ गया है। उसकी जांच जिलाधिकारी महोदय ने दिया और उसकी जांच हमारे द्वारा यहाँ किया गया। इसके पूर्व में भी हमने दो दिन जाके एक दिन वहाँ पर करवाए थे, बाराकोला स्वयं गए थे, वहाँ घर घर जा किए। कुछ लाभुक उसमें छूट गए थे जो किसी कारण मजदूर वर्ग के हैं, उस दिन उपलब्ध नहीं हुए। जी, जी, जी। उसके बाद सेकंड डे यहाँ भी किए थे फिर लोगों के। उसके बाद था कि चूंकि इसके आरोप में विधायक जी का भी था कि विधायक जी के पास भी कुछ लोग गए हुए थे इसी में से, तो विधायक जी का था कि जब जांच उछ हो तो एक बार हमारे सामने भी उसकी जांच हो जाए। तो चूंकि इन सब की लगभग दो तीन आदमी को छोड़कर रेस्ट का जाँच पहले हो चुका था, स्टेटमेंट ले लिया गया था, वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। पुनः ये जाँच जो है आज पुनः विधायक जी की उपस्थिति से बात करके, ताकि वो भी अपने सामने में रहें। स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास भी लोग शिकायत लेके जाते हैं, तो उनसे भी उनके सामने आज हुई। और उसमें दो तीन अधिकांश लोगों से पहले ही स्टेटमेंट दिया था, जिन लोगों ने कहा कि पैसा कोई क्या नाम था उसका, श्याम सिंह करके एक वार्ड का कोई रिलेशन है, वार्ड का भैसूर है शायद, ये उस समय ही बताया था। उस पर आरोप था कि किसी से 10,000, किसी का 8,000, किसी का 23,000, किसी 15,000 ये पैसा लिया। ऐसा 8-10 आदमी का मामला आया था जिसको हम लोगों ने स्टेटमेंट अलग से उसका ले लिया है और उसका वीडियोग्राफी भी कराया है। इन साक्ष्यों के साथ उसके विरुद्ध में FIR किया जाएगा। श्याम सिंह पर FIR होगा? हाँ। आपके आवास सहायक पर जो आरोप है? नहीं, आरोप आवास सहायक पर कहीं आरोप नहीं आया, एक भी के आरोप सहायक हमने इंडिविजुअल पूछा, एक भी आवास सहायक के बारे में किसी ने नहीं कहा कि आवास सहायक का भी संलिप्तता है या उसने आवास सहायक उपस्थिति में दिया है। एक सिंगल किसी भी सरकारी आदि पर, इसके पहले कई सरकारी आदि पर FIR हम लोग कर चुके हैं लक्ष्मीपुर में। एक बार में जांच में हम तीन पर FIR किए थे, इसमें स्टेटमेंट आया था कि आवास सहायक ने का संलिप्तता है। इसमें इस बार के थीम में स्पेसिफिक आज भी हमने कहा कि ये आवास सहायक को दिखला के कि इसका है कोई संलिप्तता और कोई सरकारी आदमी है तो साफ बताया कि नहीं। जब तक कि कोई स्पष्ट किसी पर आरोप नहीं होगा साक्षी के साथ तब तक उस पर FIR नहीं हो। हाँ, लेकिन चूंकि ये घटना घटी है, ये बात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक दक्षिण में जहाँ कमी रही है उसके लिए उन पर भी दायित्व निर्धारित होगा। यह माना जाए कि ये ग्रामीणों का जो भी आरोप है, जितने भी ग्रामीणों ने कहा है, सारे आरोप निराधार हैं, सिर्फ वो श्याम सिंह ही दोषी है, कोई असहायक या मुखिया या जनप्रतिनिधि अभी जब नहीं, मुखिया के बारे भी कहीं हम लोग स्पेसिफिक नहीं था। जब तक कि किसी पर प्रमाणिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाता है, एक संभावना पर कोई बात नहीं होती है। आरोप जब भी लगा के किसी पर कार्रवाई होगी, ये तो फिर अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा। जब हम लोग FIR होगा, उस FIR के बाद अनुसंधान उसके पुलिस करेगी, उसमें अनुसंधान में उसको और रहेगा कि अमुक आदमी भी इन्वॉल्व है, अमुक आदमी इन्वॉल्व है, वो करेगा, वो होता है। वो तो सारे अनुसंधान में ग्रामीणों की बात है, ग्रामीणों से हम लोगों ने भी बात किया था, उन्होंने कहा था कि आवास सहायक साफ तौर पर पैसा इसलिए मांग रहे हैं। आप एज ए पत्रकार उस पर FIR कर सकते हैं, आप एज ए पत्रकार ऐसा जहाँ से स्टेटमेंट आया है आपको मिला है, आप उस पर आपको हर आदमी जनप्रतिनिधि को अधिकार है कि आप उसके उस साक्ष्य के आधार पर FIR कर दीजिए। भारी घुसखोरी हो रहा है और सारा जहाँ जहाँ वीडियो के एजेंट सब ले रहे हैं, मिलकर वीडियो एजेंट छोड़े हुए। किस मामले में घुसखोरी का मामला? ये प्रधानमंत्री आवास में, किस गाँव में, शौचालय में, ऐसे कई गाँव है, बाराकोला, पचकठिया, घोड़मरा, तो सब ने FIR की बात हुई थी सर, इन लोगों पर FIR के लिए बात हुई थी, FIR के लिए पेपर दिया, आवेदन दिया, अभी तक फिर से DM जांच दिए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर आंदोलन के साथ, DD के मतलब साथ आज आपका बैठक हुआ था, बैठक में क्या निर्णय निकला है? स्टेटमेंट लिया गया है और आगे जो कानूनी कार्रवाई हो DDC करेंगे, हम लोग जन आंदोलन करेंगे, पूरा घेराव धरना हमारा अनशन होगा, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे,